चमनप्राश तैयार है। देखिए और बनाइए और एंजॉय कीजिए। अगर पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर लिखें ताकि मैं पूरी रेसिपी आपको दिखा सकें। घर पे बहुत ही अच्छे से बन जाता है। लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी ला सकूँ आपके लिए। थैंक यू। चमनप्राश बनकर तैयार हो गया। अब हम सर्व करते हैं इसे। चमनप्राश बनाना बहुत आसान है। अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं पूरी रेसिपी आपको दिखा सकें। बहुत आसानी से बन जाता है ये और बहुत अच्छा बनता है।